बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर नुमान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद कैसर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यानीस बायोक सुजोग एपिसोड 20 और ट्रेलर 1 के बारे में। ताजुल मुल्क का क्या होगा? क्या तरकान हातून बशुलो हातून का राज जान जाएगी? जब सुल्तान मलिक शाह होश में आए, उन्होंने बशुलो हातून को देखा और उनका नाम भी पुकारा। क्या सुल्तान मलिक शाह को राज ज़ाहिर हो जाएगा? संजार फैसल का जख्म देखकर उसे पहचान जाएगा या ये राज अभी ज़ाहिर नहीं होगा? मज़ीद वीडियो डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ताजुल मुल्क, जिसकी वजह से बहुत से सिपाहियों को नुकसान पहुँचा, यकीनन सुल्तान मलिक शाह ठीक होने के बाद ताजुल मुल्क को ऐसी सज़ा देंगे, या तो वो एक सीधे राह पर आ जाएगा या जान से हाथ धो बैठेगा। इसी तरह बात करते हैं तरकान हातून की। तरकान हातून जैसे कि बशुलो हातून के हेमे में दाखिल हैं और उसे कह रही हैं कि अपना चेहरा सामने लाओ। और इसी तरह तरकान हातून और बशुलो हातून का ये सिलसिला जारी होता है कि एपिसोड का अहतमाम हो जाता है। यकीनन तरकान हातून बशुलो हातून से कह रही होंगी कि अपना चेहरा तुम सामने लाओ और ताजुल मुल्क या कोई ऐसा आदमी ज़रूर आ जाएगा जिसकी वजह से ये राज ज़ाहिर नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं, जब सुल्तान मलिक शाह होश में आए तो उन्होंने बशुलो हातून को देखा और उनका नाम भी पुकारा। यकीनन सुल्तान मलिक शाह को इस राज का मालूम हो जाएगा और वो इसी तरह रियासत को मद्देनज़र रखते हुए इस राज को राज ही रखेंगे और इस राज को ऐसे जाहिर करेंगे कि उन्हें अभी मालूम ही है बशुलो उनकी बीवी अभी ज़िंदा है और संजार इनका बेटा है। क्या संजार फैसल का जख्मी हाथ देकर उसे पहचान जाएगा? मेरे अंदाजे के मुताबिक संजार को फैसल पर यकीनन शक ज़रूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो तमाम नाज़रीन को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।